नमस्कार, आप जुड़ चुके हैं श्री न्यूज के साथ और मैं हूँ रूहानी। कहीं ना कहीं आज जो है कमी जो है जम्मू की जनता को बसंत रथ जी की महसूस हो रही है। ऐसा हमने इसलिए भी कहा क्योंकि उनके जाने के बाद जिस तरह से ट्रैफिक व्यवस्था जो है वो जम्मू की सड़कों पर चरमरा गई है, वो हम आपको दिखाने की अभी कोशिश करेंगे। यहाँ पर अभी हम मौजूद हैं न्यू प्लॉट में, जहाँ पर आप देख सकते हैं किस तरह से गाड़ियों में जो है ओवरलोडिंग जो है वो की जा रही है। हालांकि जब बसंत रथ जी जम्मू की यहाँ पर कमान संभाले हुए थे तो यहाँ पर ओवरलोडिंग की समस्या कुछ हद तक जो थी वो कम हो गई। आप सामने गाड़ी में देख सकते हैं किस तरह से मेटाडोर में जो है यहाँ पर ओवरलोडिंग जो है वो यहाँ पर की जा रही है। और सवाल ये भी उठता है कि क्या जो डर था इन वाहन चालकों को वो बसंत रथ का ही था, और क्या इस समय इनको ये सोच नहीं आ रही है कि हमें ट्रैफिक रूल्स को फॉलो करना चाहिए। और ओवरलोडिंग की बात की जाए तो ओवरलोडिंग जो है काफ़ी बढ़ चुकी है, कुछ हद तक कम हुई थी। और गाड़ियों के शीशे जो थे, जिस तरह से बसंत रथ जी ने कहा था कि गाड़ियों के शीशे जो है वो बंद करके चलाइए और दरवाज़ा भी बंद करके चलाइए, डोर बंद कीजिए ताकि कोई हादसा ना हो। और वो इसलिए भी था कि दरवाज़ा बंद होगा तो उतने ही पैसेंजर गाड़ी में आएंगे जितनी एक गाड़ी की कैपेसिटी होती है। मगर अभी आप देखें ट्रैफिक व्यवस्था का क्या हाल है। सरवाल चौक या हम कहें न्यू प्लॉट ये इलाका, और यहाँ पर कहीं ना कहीं आप देख रहे हैं कि गाड़ियाँ जो हैं वो इस कदर भरी जा रही हैं पैसेंजर से कि सवाल उठता है कि IGP, आप तो IGP नहीं कहेंगे लेकिन हाँ कहीं ना कहीं IGP थे बसंत रथ। और बसंत रथ क्या आज उनकी ज़रूरत जो है वो जम्मू की जनता को महसूस हो रही है। तो आप सामने एक मेटाडोर देख रहे हैं, आप देखिए। एक सवाल ये भी उठता है कि कहा गया था कि गाड़ी जो है उसको इस हद तक भी मत भरिए कि एक्सीडेंट के एक समस्या जो है वो उत्पन्न हो जाए। मगर एक और मेटाडोर की तरफ आपको लेकर चलते हैं और यहाँ पर देखते हैं कि यहाँ पर क्या ओवरलोडिंग जो है की गई है या नहीं। तो आप यहाँ पर देखिए, हमारे सामने ही अभी हमें देखते हुए ही यहाँ पर दरवाज़ा जो बंद कर दिया गया है, लेकिन यहाँ पर भी काफ़ी हद तक कैपेसिटी से ज़्यादा जो पैसेंजर हैं यहाँ पर मौजूद हैं। और क्वेश्चन जो है वो ये रेज हो रहा है कि ट्रैफिक जो है वो ट्रैफिक व्यवस्था जो है वो किस कदर जो है चरमरा गई है। और गाड़ियाँ भी आपको इस कदर दिखेंगी यहाँ पर कि जाम की स्थिति भी उत्पन्न हो गई है। और जाम जो है इस इलाके में लग गया हुआ है क्योंकि बारिश का मौसम है, और कहीं ना कहीं यहाँ पर कहा जा रहा है कि बारिश का जब मौसम आता है तो सड़कें जो है वो कहीं ना कहीं ट्रैफिक का सामना करती है। तो एक और गाड़ी यानी कि मेटाडोर नंबर 4, यहाँ पर भी आपको हम बता रहे हैं कि किस तरह से ओवरलोडिंग जो है यहाँ पर की गई है। अब बात की जाए जो नए IGP हैं ट्रैफिक के, उनके द्वारा भी हाल ही कुछ दिनों पहले ये कहा गया कि मैं हर एक कदम उठाऊंगा जिससे जम्मू की जनता को ये लगे कि जो नए IG हैं ट्रैफिक के वो कहीं ना कहीं अच्छा काम कर रहे हैं। और उसी पेस पर चलते हुए मैं जो हूँ ट्रैफिक की व्यवस्था को ठीक करूँगा, और जो लोग हैं रूल फॉलो नहीं करते हैं उनके खिलाफ़ भी कार्रवाई होगी और लोगों को ये बताया जाएगा कि फॉलो करने के कितने फ़ायदे हैं और नुकसान क्या है अगर आप रूल्स को फॉलो नहीं करते हैं। मगर अगर सामने हमारे कैमरामैन आपको विजुअल दिखाएं तो अब यहाँ से साफ तौर पर देख सकते हैं एक तरफ से गाड़ियाँ ऊपर की तरफ जा रही हैं वहाँ पर भी जाम है, और जो वापस इस तरफ आ रही हैं वहाँ पर भी जाम है। तो सवाल इस तरह से उठते हैं कि क्या जम्मू के लोगों को अभी ज़रूरत महसूस हो रही है बसंत रथ जी की। तो मैं भी आपसे एक सवाल करती हूँ, आप भी कमेंट में लिखिए कि क्या आप संतुष्ट हैं नए IGP ट्रैफिक के काम से, या फिर लगता है कि जो बसंत रथ जी थे उनकी ज़रूरत जो है कहीं ना कहीं जम्मू की सड़कों पर महसूस की जा रही है। क्योंकि जाम की स्थिति इस समय इस कदर बनी हुई है कि लोगों को कहीं ना कहीं दिक्कतों का सामना जो है वो करना पड़ रहा है। दोनों तरफ से, आने वाली साइड से भी जाम है और जाने वाली साइड से भी जाम है। और बात की जाए मेटाडोर्स की तो मेटाडोर्स में भी कुछ कैपेसिटी जो है पैसेंजर्स की वो निर्धारित की जाती है, और वहाँ पर ये बताने की भी कोशिश की जाती है कि हम जो है इससे ज़्यादा पैसेंजर जो है वो कैरी नहीं करेंगे। लेकिन अब शायद वो डर नहीं है, अब शायद वो सोच नहीं है, अब शायद ट्रैफिक रूल्स की धज्जियाँ यहाँ पर उड़ाई जा रही हैं, और अब शायद ये लोग ये सोच रहे हैं कि अब बसंत रथ नहीं है तो किससे डरना। तो ये भी सवाल उठता है कि लोगों
तो क्या डर कुछ ही समय तक था? क्या लोग यही सोच रहे थे कि कहीं से भी अगर जम्मू की सड़कों की बात की जाए तो लोग कहते थे कि हम यहाँ से मेटाडोर से निकल रहे हैं तो इस इलाके में जो है वो बसंत रज जी हमारी मेटाडोर के वहाँ पर आए, ओवरलोडिंग थी, तो उस समय लोगों का ये कहना था कि वहाँ पर हमारी मेटाडोर के जो चालक है वहाँ पर उसको रोका गया, पूछा गया तुम्हारी यूनिफॉर्म कहाँ है, तुमने यूनिफॉर्म क्यों नहीं पहनी है और ओवरलोडिंग क्यों की गई है, चालान काटे जाते थे। यानी कि सिस्टम के साथ जो था वो जो ट्रैफिक व्यवस्था थी वो चल रही थी, लेकिन अभी जो है शायद सिस्टम जो है डगमगा गया है और आज जो है कहीं ना कहीं सर्दी जो है, जो सही कहते हैं ना सर्दी, वो सही सर्दी की आज शुरुआत हो चुकी है, जो ठंड है वो बढ़ रही है। और यहाँ पर हम आपको बता दें कि ट्रैफिक व्यवस्था का कितना बुरा हाल है और दोनों तरफ से जो है जाम की स्थिति भी बनी हुई है। लोग जो है मेटाडोर्स में तो है लेकिन ओवरलोडिंग भी इन लोगों के द्वारा की जा रही है। और बात की जाए कुछ लोगों के द्वारा हेलमेट भी नहीं पहनी जा रही है, तीन लोग जो है एक ही गाड़ी में सवार है, यानी कि हर एक नियम की धज्जियां जो है यहाँ पर जम्मू की सड़कों पर यहाँ पर उड़ाई जा रही हैं। और सवाल ये उठता है कि क्या जो वाहन चालक हैं क्या उनको तभी तक डर था जब बसंत रज जी यहाँ पर थे, या फिर अब जो नए IG हैं उनकी बातों को भी मानने की ये बात सोचेंगे और कहीं ना कहीं जो ट्रैफिक है वो अपनी सही दिशा की ओर जाएगी और ट्रैफिक व्यवस्था को वो सुधारा जाएगा। और कोशिशें तो की जाती हैं, यानी कि जिस तरफ भी आप नज़र घुमाएंगे उस तरफ ही आपको जो है वो जाम की स्थिति जो है वो नज़र आएगी। और सामने आप देख सकते हैं कि यहाँ पर भी जाम जो है यहाँ पर भी लग चुका है, और सामने अगर हम आपको दिखाएं तो यहाँ पर भी जाम की स्थिति है, बारिश हो रही है और यहाँ पर कहीं ना कहीं अब क्वेश्चन जो है वो ये है, सवाल ये उठता है कि क्या एक डर जो उस वक्त था जब बसंत रज जी थे, क्या वो डर उसी वक्त तक रह गया और क्या आगे जो है लोगों को ट्रैफिक व्यवस्था या फिर हम कहें ट्रैफिक रूल्स को फॉलो करने की बात जो है उनके जहन में नहीं आ रही है और इस तरह से जो वाहन चालक है वो ओवरलोडिंग कर रहे हैं, कैपेसिटी से ज़्यादा जो है वो लोगों को इनक्रीज़ कर रहे हैं। आप सामने विजुअल्स में देख सकते हैं कि यहाँ पर जो है किस कदर हर तरफ जो है वो जाम लगा हुआ है और आपको सामने ट्रैफिक अधिकारी भी एक दिखेंगे जो अपना काम जो है वो कर रहे हैं। और इस कदर जो गाड़ियों का एक यहाँ पर रश जो है वो पड़ गया है वो देखने लायक है कि किस तरह से जो ट्रैफिक है यहाँ पर क्लियर किया जाएगा और जाम की जो स्थिति यहाँ पर बनी हुई है उस स्थिति से जो निपटा जाएगा। तो सवाल इस कदर भी आता है कि क्या कुछ ही वक्त हुआ है उनको ट्रांसफ़र हुए हुए, तो क्या अब लोगों का जो भरोसा है वो नए IG पर नहीं है, और क्या लोग जो है वो कहीं ना कहीं महसूस कर रहे हैं कि बसंत रथ अगर यहाँ पर होते तो इस तरह से ट्रैफिक व्यवस्था नहीं चरमराती और इस तरह से जाम की स्थिति नहीं लगती और कहीं ना कहीं जो है यहाँ पर जो है जाम आपको देखने को मिलेगा। न्यू प्लॉट का ये इलाका है, बारिश हो रही है हम आपको बता दें और यहाँ पर गाड़ियाँ जो है काफ़ी देर से फंसी हुई हैं, जाम जो है वो चारों तरफ है, सामने आप दोनों तरफ से देखेंगे आने वाला जो रास्ता है वहाँ से भी जाम है और जाने वाला जो रास्ता है वहाँ से भी जाम है। तो अभी आप विजुअल्स जो है वो आप न्यू प्लॉट से देख रहे हैं और हम आपको बता दें यहाँ पर चारों तरफ जो है वो जाम लग चुका है, गाड़ियाँ जो है वो काफ़ी देर से यहाँ पर रुकी हुई हैं और लोग जो है दिक्कतों का जो है वो सामना कर रहे हैं। तो सवाल बार बार यही पूछ रहे हैं कि क्या जो डर था वो बसंत रथ जब यहाँ पर थे उसी वक्त तक रहा, या फिर उसके बाद भी कहीं ना कहीं वाहन चालकों को ये लगता है कि उनको ओवरलोडिंग नहीं करनी चाहिए। लेकिन जितनी भी गाड़ियाँ हमने आपको दिखाई, 4 से 5 गाड़ियाँ दिखाई, जिसमें 4 गाड़ियाँ हमने आपको ऐसे दिखाई जो सामने से निकल रही थी और इतनी ओवरलोडिंग थी कि आप बात करते हैं ओवरलोडिंग की तो ओवरलोडिंग से एक्सीडेंट का खतरा होता है क्योंकि बैलेंस जो है वो कहीं ना कहीं ख़राब हो जाता है और एक्सीडेंट की तरफ जो है वो एक स्थिति बन जाती है। तो उससे भी निपटने के लिए बसंत रज जी ने काफ़ी कदम उठाए थे, ओवरलोडिंग जो लोग करते थे उन पर कार्रवाई भी की गई थी, यूनिफॉर्म्स की बात की गई, हेलमेट की बात की गई और कुछ ऐसे नियम कानून जो उस वक्त उनके द्वारा बनाए गए और लोगों को कहा गया कि इनको फॉलो कीजिए क्योंकि ये जो है आपकी बेहतरी के लिए ही बनाए गए। तो विजुअल्स हम आपको न्यू प्लॉट से दिखा रहे हैं जहाँ पर जाम की स्थिति अभी बनी हुई है और आप देख सकते हैं कि काफ़ी देर से लोग यहाँ पर इंतज़ार कर रहे हैं और
यहाँ पर जो लोग हैं दिक्कतों का सामना भी कर रहे हैं, क्योंकि बारिश का मौसम है, ठंड है और जाम जो है इस कदर है कि जाम जो है वो हटने का नाम नहीं ले रहा है। हर तरफ आपको गाड़ियाँ ही गाड़ियाँ यहाँ पर नजर आएंगी। तो अब एक और मेटाडोर जो है वो सामने है और देखते हैं क्या यहाँ पर भी ओवरलोडिंग जो है वो की गई है या फिर यहाँ पर नियमों का पालन किया गया है। तो कोशिश करते हैं जानने की कि यहाँ पर क्या ओवरलोडिंग है या फिर यहाँ पर भी नियमों का जो पालन करते हुए दरवाज़ा बंद है। और ये देखिए सामने आपका हाल है, यहाँ पर भी ओवरलोडिंग है। तो वही सवाल, लेकिन जवाब कौन देगा? आप सोचिए कि ट्रैफिक व्यवस्था जो है क्या बसंत रथ जी के जाने के बाद सुधरी है या फिर बिगड़ी है? तो ये आपको हम विजुअल दिखा रहे थे न्यू प्लॉट के, यहाँ से बताने की कोशिश की थी कि किस तरह से जो विश्वास एक वक्त जो है वो काबिज़ करने में सक्षम हुए थे पूर्व IGP ट्रैफिक जो बसंत रथ जी थे, और आज ट्रैफिक व्यवस्था का क्या हाल है जम्मू की सड़कों पर। और अभी बारिश हो रही है, ठंड जो है, सर्दी जो है वो शुरू हो चुकी है, और इस तरह से जो व्यवस्था है वो चरमराई है कि लोगों को काफ़ी देर से दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। और बात की जाए वाहन चालकों की, तो इनके द्वारा भी नियमों की कहीं ना कहीं धज्जियाँ उड़ाई जा रही है। ओवरलोडिंग की जो समस्या कुछ वक्त पहले जो है वो कहीं ना कहीं हल हो चुकी थी, वो समस्या फिर से उत्पन्न हो चुकी है। और कहीं ना कहीं सवाल ये उठते हैं कि क्या डर जो है वो उसी वक्त तक रहा जब पूर्व IGP ट्रैफिक जो बसंत रथ यहाँ पर थे, या फिर हम कहें कहीं ना कहीं अभी जो है वो नए IGP जो ट्रैफिक बने हैं आलोक कुमार जी, क्या वो विश्वास लोगों में सफल कर जो गाने में सक्षम हुए हैं, या फिर उनको क्या वो सफलता मिली है, क्या उस तरह से एक ऑरा है, या फिर हम कहें क्या उस तरह से एक व्यवस्था जो है उनके द्वारा जब कहा गया है कि मैं हर एक कार्य करूंगा जो ट्रैफिक की व्यवस्था को सुधारने की बात की जाए, तो क्या उनको सफलता अभी मिल पाई है? क्योंकि शुरुआत ही है अभी उनकी टेन्योर की। और अब आगे देखते हैं कि जम्मू की जनता कितने ट्रैफिक रूल्स को फॉलो करती है और जम्मू की जनता किस तरह से ट्रैफिक रूल्स को फॉलो करते हुए अपने जो जीवन है उसको बेहतरी की ओर लेके जाती है। ऐसे ताज़ा अपडेट के लिए वैसे जरूर देखते रहिए श्री न्यूज़। इसी के साथ कैमरामैनशिप के साथ मैं रूहानी, आप सब विदा लेती हूँ। नमस्कार।